नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारुका में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारुका में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का नवंबर वायदा आज 6400 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी, पिछले दो दिन से देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6400 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? जिस हिसाब से कैस्टर ने 6400 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो क्या 6600-6700 का भी लेवल जल्द ही देखने को मिल पाएगा? देखिए, कैस्टर सीड में बिल्कुल अखिलेश तेजी का ही रुझान है और अभी फिलहाल तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है और लगातार बाजार खरीदारी की तरफ ही है। रुक रुक कर इसके अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको खरीदारी में ही रहना चाहिए और आने वाले दिनों में मानकर चला जा सकता है कि इसके अंदर 6500 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी रहती है तो बाजारों के अंदर और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सरपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं वो आज भी 2400 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है, 2400 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या इस कारोबारी सप्ताह के अंत होते होते बिनौला खल 2500 का लेवल तोड़ पाएगा? देखिए, बिल्कुल 2500 का लेवल जो है एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में आपको देखने को मिल जाए। बिल्कुल आज इस वीक में एक्सपेक्टेड है कि 2520 से लेकर 2540 तक ऊपर जा सकता है। मैंने कल भी बोला था कि इसमें बाइंग की तरफ रहें और कल से आप देखिए इसके अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ हमने देखा है और आज भी बाजार तेज है। मुझे लगता है 2520 का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि जीरा एक बार फिर से 15000 के पार निकला है। जीरे में देख रहे हैं कि इस वक्त नवंबर वायदे में 5205 पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, 1.25% की तेजी है। धनिया 8300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, हल्दी थोड़ा सुस्ती के साथ कारोबार कर रही है। रूपा जी, देख रहे हैं कि मसालों में धनिया और जीरा लगातार पिछले कुछ दिनों से तेजी की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जिस हिसाब से जीरे में आज 15200 का लेवल देखने को मिल चुका है, तो अब जीरे की जो रैली है ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, जहां तक धनिया और जीरा और हल्दी की बात है, इनमें देखिए तेजी का रुझान है और जीरा आप देखिए बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था 15000 के ऊपर निकल चुका है। आप देखिए इसकी सस्टेनेबिलिटी अगर यहां पर बनती है तो फिर आप इसको मानकर चलिए कि ऊपर में 15200 के ऊपर आज हमने इसमें अच्छी तेजी देखी है और मुझे लगता है कि नवंबर वायदा जो है अब 15500 से 15800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल इसमें अभी जो त्योहारी सीजन की मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है, अभी निर्यात मांग तो पीछे काफी गिरे थे लेकिन अब त्योहारी सीजन के चलते इसके अंदर तेजी आई है और 15000 के ऊपर अगर एक दो दिन की क्लोजिंग रह जाती है तो फिर आप इसमें 15800 से 16000 का स्तर देख सकते हैं। ये सुरूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, देख रहे हैं कि आज ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर आज कुछ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, आपको क्या लगता है? प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी एक्सटेंड होगी या फिर यहीं से कीमतें एक बार फिर से ऊपर जाएंगी? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लगातार तेजी आती हुई दिखाई दी है और अब यहाँ से एक बार मानकर चलिए अगर बाजार लुढ़कता है तो हो सकता है 12000 के नीचे का भी स्तर देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल टारगेट जो है वो तेजी के ही है और अभी जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, बल्कि जो ये करेक्शन मिल रही है इसमें आपको जो है निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति ही रखनी चाहिए और जिन्होंने नीचे से खरीदारी की हुई है वो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं कि बाजार फिर नीचे जाए तो आप वहां पर फिर से अपनी रणनीति खरीदारी की बनाकर चल सकते हैं। जी, इसे रूपा जी, बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो एक खाद्य तेलों पर एक अहम खबर निकल कर सामने आई कि जो सरकार है अब पाम ऑयल को रिप्लेस करने के लिए राइस ब्रैन ऑयल यानी कि चावल के भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात कर रही है और देख भी रहे हैं कि जो चावल का जो स्टॉक है, जो प्रोडक्शन है अपने भारत में काफ़ी अच्छे लेवल्स पर रहता है हर साल, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरकार ने ये कदम उठाया है तो क्या इससे जो घरेलू किसान है उनको फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, जो राइस ब्रैन ऑयल तो पहले भी यहाँ पर काफी यूज किया जाता है लेकिन हाँ, अब उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की जिस तरीके से बात की जा रही है और हो सकता है कि इसको मतलब एडिबल ऑयल जिस तरीके से उनके प्राइसेस हैं और राइस ब्रैन ऑयल जो है उससे सस्ता मिलता है और काफी हद तक इसको माना भी जाता है कि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो हो सकता है कि इससे अगर राइस ब्रैन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो एडिबल ऑयल की प्राइसेस की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और मांग को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सके कि लोग इसका भी यूटिलाइजेशन ज्यादा कर पाए। ओवरऑल अभी अगर हम एडिबल ऑयल के ट्रेंड की बात करें तो अभी फिलहाल बाजार वीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि खाद्य तेलों की कीमतें जो है हाजिर में हो सकता है कि आपको फेस्टिवल सीजन के चलते थोड़ी बहुत तेज होती हुई दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफी वीक नजर आ रहा है। जी, यहीं से रूपा जी, बात करें अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से देख रहे हैं कि फसलों
में कीट लगने की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है फसल खराब करने में, और फिर उत्पादन भी कम भी बताया जा रहा है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। ऐसे में आपको क्या लगता है वायदा में कॉटन की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, क्योंकि हाजिर में तो हम देख रहे हैं कि पहले ही कॉटन की कीमतें 9000 रुपए क्विंटल के पार जा चुकी हैं। देखिए बिल्कुल कीमतें जो है कॉटन की अब काफी सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे विंटर सीजन की डिमांड भी पिकअप हो सकती है और अभी जो है कॉटन तेजी की तरफ है क्योंकि फंडामेंटल इसका काफी सपोर्टिव है। जिस तरीके से प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है और डिमांड वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है, और वायदा के अंदर अभी थोड़ा बहुत लुढ़का जरूर है बाजार, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ से कीमतें अभी और तेजी की तरफ जा सकती है। वायदा बाजार अगर 32,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी लेता है तो इसके अंदर और तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा में देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड काफी वीक हो रखी है इस समय, तब भी देख रहे हैं कि निचले स्तर से थोड़ी बहुत खरीदारी तब भी निकल रही है वायदा के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वायदा में अभी निवेश करने से बचना चाहिए? देखिए मेंथा के अंदर अभी फिलहाल बाजारों के अंदर कोई बहुत ज्यादा भी खरीदारी नहीं है। मेंथा अभी रेंज बाउंड है, आगे चलकर थोड़ा बहुत डिमांड जो है वो जरूर पिकअप होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मेंथा के अंदर बाइंग जो है की जा सकती है, छुटमुट बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज के वो टॉपिक्स कौन से रहेंगे इंट्राडे में जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अखिलेश, अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बिनोला खल जो है वो एक अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ से बिनोले खल के अंदर खरीदारी की जा सकती है, 2520 का टारगेट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट, आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जब हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एक जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।